खाने वाले हैं और देख सकते हैं मैंने चार भुट्टा पकाया है। यहाँ पे मिर्चा लिया है, यहाँ पे काला नमक लिया है। हम लोग खाने वाले हैं भुट्टा मीठा मीठा और बहुत ही अच्छा। तो मैंने ये इसको कैसे पकाया है आप लोग को वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक चुका है और बहुत ही मीठा लगता है। इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ से निकाल के खाया तो बहुत ही मीठा है और बहुत अच्छा है। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने कैसे पकाया। आप लोग को पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। जैसे मैंने पकाया वैसे आप लोग भी घर पे पकाइएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो के अंत तक तक देखिए। चार भुट्टा ले लिया देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने आग लगा लिया है। और गांव का घर है तो कहीं भी आग लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा घर तो ऐसे ही खुला खुला रहता है। अढ़ाई बज रहा है टाइम और कौन कौन खाएगा इधर इधर। मेरी बेटी को सबसे फेवरेट है ये, इसको बहुत ही पसंद है भुट्टा खाना, है ना। कौन कौन खाएगा और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आप सबका स्वागत करती हूँ मोनिका राज ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में भुट्टा पकाना दिखाऊंगी और कैसे पकाया जाता है आग पे ये भी दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं धुआं धुआं हो रहा है और हम लोग के गांव के हैं तो हम लोगों को धुआं का कोई फर्क नहीं पड़ता है और गाँव का बातें कुछ और होता है। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने ब्लॉग में भुट्टा पका के, है ना। तो बोलो कैसे हैं आप लोग, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को भी। बोलो बोलो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा अच्छा वीडियो हमारे चैनल पे भी है, देखने को मिलेगा आपको। बोलो तो बने रहे वीडियो में और आप लोगों को दिखाते हैं, चलते हैं भुट्टा पकाने पटाक से आप लोग जुड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने भुट्टा को ऐसे छील लेती हूँ, सारे भुट्टे को ऐसे छील लूंगी। बहुत मजबूती से अपना चादर ओढ़ लिया है, देख सकते हैं भुट्टा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और भुट्टे वाले हम लोगों को ठग दिया है। देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा खराब भुट्टा दे दिया है बेचारा, इसमें अंदर घुसा नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भुट्टा को छील लिया है और इसके ऊपर और आग भी हमारा अच्छे से धुआं निकल चुका है और इसको मैं इसके ऊपर धुआं वाला हटा दूंगी क्योंकि धुआं लगेगा तो खराब लगता है, धुआं धुआं लगता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने पंखा ले लिया है और पंखे की मदद से मैं सारे भुट्टा को पका लेती हूँ। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें और इसको ऐसे ऐसे पलट भी लूंगी, देख सकते हैं ये धुआं धुआं हो रहा है। इसको मैं इस पंखे के मदद से हवा दूंगी कि धुआं ना लगे और हमारा भुट्टा खराब ना हो जाए, इस वजह से हम ऐसे इसको पका लेंगे। क्या हुआ, तो देख सकते हैं हमारा भुट्टा कैसे पक रहा है आग में। और ऐसे ही हमने देखा था स्टेशन पे पकाते हुए, ऐसे आग ले लेता है और ऐसी आग में पकाता है सब। तो हमने भी बहुत बार पकाया है और आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आग में पक जाता है भुट्टा और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे खाने से पेट भी खराब नहीं होता, गैस पे पकाने से गैस बन जाता है और पेट भी खराब हो जाता है। और पंखे की मदद से हम ऐसे पका लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा भुट्टा बनके पक के एकदम से खूबसूरत लग रहा है और पक के रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं अब हम लोग खाने जा रहे हैं। तो आप सब भी आइए, हम आप लोगों को अपने हाथों का भुट्टा खिलाएंगे। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, गैस पे ऐसे नहीं पकता है, गैस के
पे ये होता है तो ऊपर से तो पक जाता है बट अंदर का नहीं पक पाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा अच्छे से पक चुका है, और देख सकते हैं पूरा ही अच्छे से पक गया है। तो आप लोग भी ऐसे पका के घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मीठा मीठा लगेगा। तो आप लोग ऐसी तरह आप लोग अपने घर में पका सकते हैं गैस, अगर हो सके पॉसिबल है तो आग पे पकाइए, नहीं तो गैस तो है ही, गैस पे पकाइए, लेकिन गैस से अच्छा आग का होता है। तो हमने तो पका लिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय लल्लू गोपाल, थैंक यू।